अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं मटन चाम फ्राई, जिसके लिए हमने लिया है 2 खाने के चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस, 1 प्याली दही, 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला, 2 खाने के चम्मच सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, नमक हसबे जायका, 1 खाने का चम्मच पीली मिर्च सुरख। चांप हमारी तकरीबन 1.5 किलो। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। काली दही हमने ली है, सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, लेमन जूस, तंदूरी मसाला, नमक मिर्च और काली मिर्च। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। मसाला मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें बोटियां डालेंगे। चांप को अच्छी तरह मसाला लगना चाहिए। चांप हमारी तकरीबन मीडियम साइज की है। माशाल्लाह दही और मसाला बहुत अच्छी तरह लग चुका है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चांपें मैरिनेट हो चुकी हैं। अब हम इसको प्रेशर में डालकर गलने के लिए रखेंगे और पानी बिल्कुल नहीं डालना। दही ने अपना पानी काफ़ी छोड़ दिया है, इसी पानी में ये चांपें गलेंगी हमारी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम आंच करनी है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रखना है। गोश्त गल चुका है, अब इसमें थोड़ा सा नीचे पानी है, हम इसी को ज़रा आँच तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। चांप फ्राई करने के लिए हम बेसन का मिक्सचर तैयार करते हैं। 1/2 कप हमने बेसन लिया है, इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे जायका, ये हम बेसन में डालेंगे और इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। साथ ही थोड़ा सा हम पानी भी शामिल करेंगे। बहुत हमने गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं करना। ज़्यादा ठीक होगा तो लेयर बहुत मोटी आएगी और अगर बहुत पतला हो गया तो उसके ऊपर वो लेयर नहीं ठहरेगी। ये देखिए ऐसे तैयार करना है। बेसन तैयार हो चुका है। चांपों का सारा पानी खुश्क हो गया है, बिल्कुल वो सारा मसाला इसी में जज़ब हो गया। अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया है बेसन का, इसमें एक एक चांप डिप करके फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम ऐसे मिक्सचर लगा लगा के एक एक चांप को करेंगे। अब हम इसकी साइड दूसरी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा उधर से भी तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा तो टाइम नहीं देना। अंदर से गोश्त तो हमारा गला हुआ है, बस लाइट लाइट इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह फ्राई अच्छी हो चुकी है, हम इनको निकालते हैं और बाकी भी ऐसे ही फ्राई करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन चांप देखे कितनी प्यारी तैयार हुई है। बहुत अच्छा कलर भी आया है, बहुत ही जूसी है, ये देखिए बिल्कुल गली हुई है और बाहर से क्रिस्पी भी है, अंदर से जूसी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।